मैं मुकेश कुमार, मेरे YouTube चैनल MMSCM के में आप लोगों का स्वागत। दोस्तों आज हम सभी फ्रेंड्स आए हैं लोग खेतों की मुआयना करने, और जो खेत है खेत में हम लोग मुआयना करेंगे लोग सरसों का। दोस्तों सबसे पहले जो सरसों है, सरसों के बारे में आप लोग कुछ जानिए लोग। फ्रेंड्स ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है यही है सरसों। और फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं मस्टर्ड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, मस्टर्ड बोलते हैं। दोस्तों अगर बात किया जाए कि मस्टर्ड का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों इस मस्टर्ड का साइंटिफिक नाम होता है ब्रैसिकस, ब्रासिक नाम होता है दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, इसका क्या नाम होता है, ब्रासिक होता है। फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में कहते हैं मस्टर्ड, हिंदी में कहते हैं सरसों, और इसका साइंटिफिक नाम होता है ब्रासिस। अब बात किया जाए कि जो मस्टर्ड है यानी मस्टर्ड की सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो दोस्तों हमारा देश जो है, हमारे देश का जो राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मस्टर्ड का उत्पादन होता है। फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड का लाइफ पीरियड कितना होता है, तो दोस्तों जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड का लाइफ पीरियड होता है 90 से 120 दिन, यानी 3 महीना से 4 महीना तक होता है। दोस्तों बात किया जाए कि जो मस्टर्ड है ये कौन सा फसल है, दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस पे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है रबी फसल, दूसरा होता है खरीफ फसल, तीसरा होता है जायद फसल। तो दोस्तों ये जो है ये रबी फसल है फ्रेंड्स। रबी फसल किसे कहते हैं, तो जो ठंडा के दिनों में जो खेती किया जाता है और काटा जाता है गर्मी के दिनों में, उसे हम बोलते हैं रबी फसल। दोस्त आप देख सकते हो सारा का सारा जो भी जो है वो सरसों ही है। साथ ही साथ आइए भाई प्रसाद ये फ्रेंड्स, ये जो भी जो आपको दिखाई दे रहा है सरसों के साथ साथ इसमें गेहूँ भी है, सरसों के साथ साथ इसमें गेहूँ भी है। दोस्तों हम लोग हमेशा जब भी हम लोग को टाइम मिलता है, तो हम लोग सारे के सारे जो फ्रेंड्स है लोग वो आते हैं, लोग सोचते हैं लोग थोड़ा खेतों की मुआयना करें लोग, तो आज हम लोग मुआयना किए हैं लोग सरसों के खेती के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों ये जो सरसों है, सरसों के बीच में गेहूँ भी है। दोस्तों दोस्तों सरसों के बीच में आपको क्या दिखाई, आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये जो सरसों है, सरसों के बीच में क्या है, गेहूँ भी है। दोस्तों अगर बात किया जाए गेहूँ का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों गेहूँ के इंग्लिश नाम होता है व्हीट, और इसका साइंटिफिक नाम होता है ट्राइटिकम। इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, ट्राइटिकम होता है। दोस्त जो बीट जो है, मतलब जो गेहूं है, गेहूं भी रबी फसल है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि रबी फसल किसे कहते हैं, तो वैसे फसल जिसको विंटर में बोया जाता है और साथ ही साथ उसको गर्मी के दिनों में उसको काटा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रबी फसल बोलते हैं। तो दोस्तों जो बीट जो है, बीट भी एक रबी फसल है। आप सारा का सारा जो भी खेत जो आपको दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे रबी क्रॉप्स ही हैं। रबी क्रॉप्स बहुत सारे इसके अंदर आते हैं। फिलहाल जो हम लोग का जो एरिया है, हम लोग के एरिया में ज़्यादातर मस्टर्ड की खेती होता है, धान की खेती होता है, गेहूं की खेती होता है, आलू का भी होता है। हालांकि जो आलू तो 12 महीना में उसका खेती किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा कैमरा इधर भी कर सकते हो, ये जितना भी है जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जितने भी ये सारे के सारे गेहूँ हैं। और दोस्त आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा जो एरिया है, यहाँ पर गेहूँ का भी खेती होता है, सरसों का भी खेती होता है, साथ साथ आसपास में बहुत सारे पॉइंट्स भी रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।